सबसे पहले हम इंटरवल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरवल एक तरीके का सेट ही होता है, ठीक? तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, इंटरवल्स पहले, देन मेथड ऑफ इंटरवल देखेंगे। तो सबसे पहले है क्लोज इंटरवल। तो लिखो इसमें, नंबर लाइन को देखना, सभी लोगों को आता है ना? ये नंबर लाइन होती है इधर माइनस इनफिनिटी से बढ़ते बढ़ते जीरो तक आते हैं, फिर जीरो से इधर कहां तक, प्लस इनफिनिटी तक जाते हैं, है कि नहीं? तो वही है यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल में। तो पहले क्लोज इंटरवल के बारे में जान लेते हैं। लिखो, इफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स, इफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरिएबल जनरली जैसे सेट में हम एक्स लेते थे ना, वैसे यहां पे भी एक्स लिया जाएगा। इफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन, इफ यू वॉन्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, वेर ए इज लेस देन बी, वेर ए इज लेस देन बी, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना इस तरीके से, ए इज लेस देन बी। इफ यू वॉन्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, ब्रैकेट में ए लेस देन बी, where where a and b are also included, a and b are also included, where a and b are also included, तो देख लो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये तो हो गया लैंग्वेज वाला, हमें x की कौन सी वैल्यू चाहिए जो a एंड b के बीच में लाई कर रही है, एंड जहां पे ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब एक्स ए एंड बी भी ले सकता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके, एक तो है सेट बिल्डर वाला फॉर्म, ठीक है? सेट बिल्डर वाले फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, जनरली सेट आता है उसमें एक्स सच दैट, यहाँ पे एक्स कैसा चाहिए हमें जो ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ए से बड़ा एंड बी से छोटा, एंड वेयर ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर वाला फॉर्म। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, सिर्फ इतना ही लिखोगे तो इतना भी काफी है, ये भी सही है, ठीक है? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक्स की वैल्यूज हमें एन बी के बीच की चाहिए थी और यहाँ पे ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब एक्स ए से बड़ा होगा एंड बी से छोटा होगा, एंड ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स बी भी वैल्यू ले सकता है एंड ए भी ले सकता है, ठीक है? फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन आता है नंबर लाइन वाला। तो नंबर लाइन में सबसे पहले तो हम ए एंड बी को प्लॉट करेंगे, तो ए आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बी आएगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि ए बी से छोटा है। अब इन दोनों को इंक्लूड करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डार्क डॉट देंगे। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा नंबर लाइन पे, कि ये पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है? ये उसका मीनिंग है। अब यहाँ पे हमें एक्स की कौन सी वैल्यू चाहिए जो ए एंड बी के बीच में लाई कर रही है। इन दो पॉइंट्स की वजह से नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, एक पार्ट जो कि ए से छोटा है, एक पार्ट जो ए एंड बी के बीच का है, एक पार्ट जो बी से बड़ा है। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ए एंड बी के बीच वाला, क्योंकि एक्स वही वैल्यूज ले रहा है, मीन्स हमें ये वाला रीजन चाहिए। तो ये हो गया नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन, वही इंटरवल जो अभी हम देखने वाले। एक्स कैसी वैल्यूज ले रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी के बीच की वैल्यूज ले रहा है वो, जहां पे ए एंड बी आर इंक्लूडेड है, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट ए टू स्क्वेयर ब्रैकेट बी, और यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट को हम प्रोनाउंस करते हैं क्लोज ए टू क्लोज बी, ऐसे उसको रीड कर सकते हैं।
यहाँ पे ये ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इंक्लूडेड है, यानी यहाँ पे भी बी के ऊपर भी वही सेम ब्रैकेट लग रहा है, तो बी भी इंक्लूडेड है, एंड एक्स उसके बीच की वैल्यूज भी ले सकता है, तो ये इसका मीनिंग है। तो ये क्लियर है पहला वाला, बताओ? यस सर। यस, ठीक है, तो लिख लो इसको। इसको रीड कैसे करते हैं, क्लोज ए टू क्लोज बी, तो इसका मतलब एक्स कौन सी वैल्यूज लेगा, ए एंड बी के बीच की वैल्यूज ले सकता है, जहां पे ए भी इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है। अब ये बताओ, ये एक सेट है, ठीक है, कैसा सेट है, ये फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। तो समझ के थोड़ा सा, इनफाइनाइट ना, ए एंड बी दो रियल नंबर्स है, दो रियल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, बताओ कितने रियल नंबर्स? इनफाइनाइट। एंड यहाँ पे एक्स कैसी वैल्यूज ले रहा है, ए एंड बी के बीच की वैल्यूज ले रहा है, यहाँ पे ए एंड बी आर इंक्लूडेड, मतलब एक तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है एक्स, तो इनफाइनाइट सेट है ये। तो लिख लो इसको, तो क्लियर है ये? तो ये तीन तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के, एक तो ये स्टेट बिल्डर वाला फॉर्म है, ये नंबर लाइन वाला, और फिर ये इंटरवल वाला फॉर्म है। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। चलो ठीक है फिर, कुछ कहना है क्या ओम? हाँ सर, वो आपने पहला वाला का नाम क्या बताया, पहले वाले सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर फॉर्म है ये एक तरीके से, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक सच्चे दैट, अब कहाँ लेकिन उसको बार बार लिखे, ऑप्शन में यही दिखेगा सिर्फ तुम लोगों को, यही वाली चीज दिखेगी। ठीक है, तो किसी का बाकी है क्या लिखना? ठीक है, नेक्स्ट ओपन इंटरवल के ऊपर आ जाते हैं। या ओपन ब्रैकेट भी लिख सकते हो तुम, ओपन इंटरवल या ओपन ब्रैकेट। तो लिखो इसमें, इफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स, if we want the values of x which lies between a and b, which lies between a and b, and same yahan pe a less than b hai, which lies between a and b, a less than b, where a and b are not included, where a and b are not included, a and b hame nahi chahiye, theek hai, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर वाला फॉर्म देख लो कैसा आएगा ये। एक्स के हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जो एन बी के बीच में लाई कर रही है, जहां पे एन बी आर नॉट इंक्लूडेड, तो एक्स आ जाएगा सिर्फ ए से बड़ा एंड बी से छोटा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगी, ठीक है, वो कब लगेगी, जब ए इंक्लूड हो रहा है बी इंक्लूड हो रहा है तब लगेगी, अभी नहीं लगेगी, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन एन लेस देन बी। फिर नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले हम ए एंड बी को प्लॉट करेंगे, ये ए ये बी, अब ए एंड बी को इंक्लूड नहीं करना है तो नंबर लाइन के ऊपर उसको कैसे दिखाएं, तो उसके लिए लेते हैं हम एक होलो सर्कल, ठीक है, ये सर्कल ले लेंगे इस तरीके से, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर इसका मीनिंग क्या है, कि ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है,
अब इन दो पॉइंट्स की वजह से नंबर लाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। हमें कौन सा पार्ट चाहिए नंबर लाइन का जो ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, अब उसको ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ए टू बी, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड है तो उसके लिए आता है यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ए टू सर्कुलर बी। और इसको रीड कैसे करते हैं, ओपन ए टू ओपन बी, ओपन ए टू ओपन बी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? Yes. तो लिख लो जल्दी से इसको। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाएंगे, इंटरवल में कैसे दिखाएंगे, सेट बिल्डर में कैसे दिखाएंगे? यस सर। ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ इंटरवल में यही सब होता है, हमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है एंड एक्स की वैल्यूज लिखनी होती है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो उसको या तो हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म में, या सेट बिल्डर के फॉर्म में, ऑप्शन में इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, ये नहीं मिलता है जनरली नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हो गया? Yes. चलो ठीक है, आ गया। अब उसके बाद इंफिनिटी अगर जाता है तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट इंटरवल थर्ड, तो इसमें लिख लो तुम लोग पहला सब पॉइंट, इफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ वी वांट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन एक्स विच इज ग्रेटर देन ए which is greater than a, where a is not included, यहाँ पे सिर्फ a की नंबर ले रहे हैं हम, a, हमें बस x की कैसी वैल्यू चाहिए जो a से बड़ी है, where a is not included, तो उसको रिप्रेजेंट करने का पहले तो सेट बिल्डर वाला फॉर्म क्या आएगा, x कैसा होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए, और ए इज नॉट इंक्लूडेड तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाएंगे, ए को प्लॉट कर दिया, ए इंक्लूडेड नहीं है और इस ए की वजह से नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, और हमें कौन सा पार्ट चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यूज ए से क्या है, बड़ी है, मतलब इधर वाला रीजन चाहिए। फिर उसके बाद उसको अगर इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ब्रैकेट के फॉर्म में, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ए टू, आगे कहाँ तक जा रहे हैं हम, ये ए टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ए टू इन्फिनिटी, ए इंक्लूडेड नहीं है तो ए के ऊपर तो ओपन ब्रैकेट आने वाला है, और इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा, इन्फिनिटी के ऊपर माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। और ये ध्यान रखना, इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज हम लिखेंगे वो हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखनी है,
यहाँ पे ए लेफ्ट में और इन्फिनिटी राइट में आता है तो ए टू इन्फिनिटी इस तरीके से लिखेंगे। तो ये तीन उसके रिप्रेजेंटेशन है, ये सेट बिल्डर वाला, ये नंबर लाइन वाला एंड ये ब्रैकेट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड ये हो गया। लिखो जल्दी से। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर सेकेंड में है वो, तुम लोग बताना कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। इफ यू वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स, या इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज लेस देन ए, विच इज लेस देन ए, where 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 a is included, where a is included, तो करो तो रिप्रेजेंट इसको, where a is included। हो गया सर। हाँ, ये मैच करवा लेना सभी लोगों का, सही है क्या? सबसे पहले सेट बिल्डर वाला, x कैसा चाहिए हमें? लेस देन a, वेयर a इज इंक्लूडेड, तो इक्विलिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो a को पहले प्लॉट कर दिया, a इंक्लूडेड है तो यहाँ पे डॉट, एंड हमें कौन सा रीजन चाहिए जिसमें x की वैल्यूज a से छोटी है, मीन्स इधर वाला रीजन। ये हो गया नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इधर कहां से आ रहे हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू ए तक आएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू ए, और इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है, तो इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट एंड ए इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो ओपन माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज ए, इस तरीके से इसको रीड करेंगे। ठीक है। Yes, sir. अब ये तो हो गया कि हमें ए एंड बी के बीच की वैल्यू चाहिए, जहां पे ए भी इंक्लूडेड है, ए भी इंक्लूडेड नहीं है, फिर उसके बाद ए से छोटी, ए से बड़ी वैल्यूज। ठीक, और मान लो अगर हमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही चाहिए, जैसे कि हमें मान लो सिर्फ ए एंड बी ही चाहिए, तो उसको रिप्रेजेंट करना हम देख चुके हैं सेट में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, अगर हमें सिर्फ ए एंड बी चाहिए तो। सिर्फ ए एंड बी चाहिए तो चलो लिख लो, वैसे सेट में हम देख चुके हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, ए एंड बी। ठीक है, यानी तो मान लो हमें सिर्फ तीन एलिमेंट चाहिए, ए बी सी, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, तो अगर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ही चाहिए, पूरे के पूरे इंटरवल के अंदर की वैल्यूज नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अब कर्ली ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट हो गया मतलब स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, सर्कुलर ब्रैकेट हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट बचा है, तो वो कब यूज करना है हम सेट में देख चुके, फिर भी एक बार और लिख लेते हैं। तो लिख लो इसमें डिस्क्रीट सेट फोर्थ वाले में, डिस्क्रीट सेट। ठीक है, अब तक तो क्या चल रहा था, ए एंड बी के बीच की वैल्यूज, ए बी इंक्लूडेड, ए बी नहीं इंक्लूडेड, अब हमें सिर्फ ए एंड बी चाहिए। इफ वी वांट
पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, इफ यू वॉन्ट पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स देन वी विल यूज दिस. इफ वी वॉन्ट पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स देन वी विल यूज दिस, मतलब ये डिस्क्रीट सेट वाला फॉर्म. तो इसमें एक एग्जाम्पल वही ए एंड बी का एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखते हैं इसको. इफ वी वॉन्ट या इफ एक्स कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, जो भी है, इफ वी वॉन्ट टू वैल्यूज ऑफ एक्स वन. Two values of x which are a and b, which are a and b, ठीक है. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, x belongs to, सीधा ब्रैकेट वाला फॉर्म ही लिखते उसका, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ए बी. ठीक, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ दो डार्क डॉट आ जाएंगे, ए बी, कोई रीजन नहीं अंदर वाला, मतलब तीन पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो ना तो ये वाला चाहिए, ना बीच वाला, ना इधर वाला, हमें तो सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए एन बी. तो ये नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन, एंड सेट बिल्डर में एक्स इज इक्वल टू ए बी, बस इतना सा आएगा, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, दोनों फॉर्म इसमें सिंपली क्या, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ए बी. तो अब ये तीनों चीजें क्लियर है, क्लोज ए टू क्लोज बी, फिर ओपन ए टू ओपन बी एंड कर्ली ब्रैकेट ए बी, तीनों के मीनिंग क्लियर है आप सभी लोगों को? यस सर. यहाँ पे कैसी वैल्यू चाहिए बताओ, एक्स की कौन सी वैल्यू चाहिए? ए और बी इंक्लूडेड बिटवीन एंड ए एंड बी के बीच की वैल्यूज, एंड वहां पे ए एंड बी आर इंक्लूडेड. यहाँ पे हमें एक्स की कैसी वैल्यूज मिलेगी? Between A and B. Excluded A and B रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज मिलेगी? Only A and B. Only A and B. तो क्लियर है इन ब्रैकेट्स का मीनिंग अब? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो यही इसी की जरूरत हमें आंसर लिखने में लगेगी, ब्रैकेट इंटरवल के फॉर्म में उसको कैसे लिखे, ठीक है. तो हम अब आ जाते हैं मेथड ऑफ इंटरवल के ऊपर. तो जैसे तुम ये बताओ, किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होता है, मतलब सॉल्व दिस, तो एक तरीके से क्या करना होता है बताओ, सॉल्व दिस, मतलब हम क्या करते हैं इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो एक्स की वैल्यूज ढूंढते हैं, जो इसको क्या कर रही होती है, satisfy. तो वही सेम चीज हम करने वाले हैं इनइक्वालिटी में, उसमें भी हम वेरिएबल की वैल्यूज ढूंढ, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यूज ढूंढते हैं, जो इसको क्या करती है, सेटिस्फाई. अब सेम चीज हम करेंगे इनइक्वालिटी में, वहां पे भी वेरिएबल आएगा, तो हम उसकी वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है. तो एग्जाम्पल से हम लिखते हैं, अब हेडिंग डाल देना पहले, मेथड ऑफ इंटरवल. मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाले हैं. इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मतलब इनइक्वालिटी में जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यूज ढूंढने वाले हैं जिसके लिए वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, मेथड ऑफ इंटरवल. चलो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन, सीधा क्वेश्चन से ही करेंगे इसको, हम सारी चीजें डील करेंगे, ठीक है. x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो सुन लेना यहाँ पे, तो जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एक तरफ जीरो होना मस्ट है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, और एक तरफ पूरा x का फंक्शन होना चाहिए, एंड एक तरफ जीरो होना चाहिए. वेरिएबल अगर x है तो वो पूरा x का फंक्शन एक तरफ होना चाहिए, एंड एक तरफ जीरो होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे, अभी बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं.
तो ध्यान क्या रखना, एक तरफ जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया। अब उसके बाद ये हम एक फंक्शन ले लेंगे f(x). f(x) इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x-1। बड़ा भी हो सकता है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटा सा लिया x-1। अब ये बताओ तुम कहाँ पे जीरो होता है f(x), कौन से x के लिए जीरो होता है? One. के लिए। तो उसको कहा जाता है यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट। f(x) कहाँ पे जीरो होता है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो इसको कहा जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है उसके बारे में जानेंगे। तो इंक्लूड करना कब करेंगे, जब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तब इंक्लूड करेंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। तो एक्स की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे इस पूरे में एक्स की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा, एंड 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या ये सही है क्या? यस यस सही है, भले ही ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो हो सकता है ना, तो इक्वल टू वाला सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो अब बस एक सिंपल सी चीज याद रखना, जब भी यहाँ पे इनइक्वलिटी मतलब इक्वलिटी अलग रही है, इक्वलिटी लग रही है तो क्रिटिकल पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हम इससे क्या हो जाएगा, हमें बार बार पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। इक्वलिटी लग रही है तो इंक्लूड करेंगे, नहीं लग रही है तो नहीं करेंगे। तो क्लियर है ये? yes, कब इंक्लूड yes. करना है कब नहीं करना है, जब इक्वलिटी यहाँ पे लग रही है तो अब करेंगे, नहीं लग रही है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है तो क्रिटिकल पॉइंट को हमने इंक्लूड कर लिया, तो 1 इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद इस 1 की वजह से नंबर लाइन डिवाइड हो चुकी है 2 पार्ट में। अब हम देखेंगे कौन से पार्ट में f(x) का कौन सा साइन आएगा, f(x) का साइन ढूंढना है अब हमें। 1 से बड़े में क्या साइन आएगा f(x) का, एंड 1 से छोटे वाले रीजन में f(x) का साइन क्या आएगा। अब ये बताओ जब हम x को 1 से बड़ा लेते हैं तो f(x) कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 से बड़े वाले रीजन में f(x) पॉजिटिव है। f(x) के बारे में हम देख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। और 1 से छोटा अगर लेते x तो f(x) कैसा आएगा, नेगेटिव। अब हमें f(x) जो है, ये f(x) ही लिया है ना हमने, f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, इसका मतलब f(x) कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। एंड f(x) पॉजिटिव कौन से रीजन में आता है, 1 से बड़े वाले रीजन में आता है, मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए एक तरीके से। अब ये तो हो गया नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन, और सेट बिल्डर इसमें क्या आ जाएगा, इंटरवल वाला। x बिलोंग्स टू कहां से कहां जा रहे हैं, 1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है तो क्लोज 1 टू, और इंफिनिटी नॉट डिफाइंड क्वांटिटी तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो ये क्लियर है क्या, बताओ? यस 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 सर, ठीक है। तो लिख लो इसको, स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले क्या देखना है, एक तरफ जीरो होना चाहिए और एक तरफ पूरा x का फंक्शन, एक तरफ जीरो है एक तरफ x का फंक्शन है। तो इस x के फंक्शन को हम क्या मानेंगे, f(x). फिर f(x) कहाँ पे जीरो होता है वो उसके कहलाते क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो हमने ढूंढ लिए, उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। अब उसको इंक्लूड करना नहीं करना वो डिपेंड करता है यहाँ पे इक्वलिटी लग रही है नहीं लग रही है। इक्वलिटी लग रही है तो उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम f(x) का साइन ढूंढेंगे, f(x) का साइन ढूंढेंगे जितने पार्ट में भी नंबर लाइन डिवाइड होती है उतने पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट की वजह से 2 में डिवाइड हुई, तो उन रीजन्स में हमने f(x) का साइन ढूंढा। 1 से बड़े वाले रीजन में f(x) का साइन प्लस आता है, एंड 1 से छोटे वाले में f(x) का साइन माइनस आता है। और f(x) हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मीन्स पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला रीजन हमें चाहिए एक तरीके से f(x) पॉजिटिव वाला। तो इसमें x क्या है, क्लोज 1 टू ओपन इंफिनिटी। क्लियर?
यस सर। फिर उसके बाद ये तो हो गया जब एक फैक्टर आ रहा है, अब जब दो फैक्टर आएंगे तो कैसे करेंगे, एक बार सोच के बताओ, आंसर बताओ इसका क्या आता है। या तो पहले तुम इसका आंसर बताओ, x प्लस टू लेस देन जीरो, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, आसान है ये, एक ही फैक्टर है। वो तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया मनोली, हमें तो एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी जो इस इनइक्विटी को सेटिस्फाई कर रही है, वो इंटरवल के फॉर्म में आएगी हमेशा, ठीक है, तो वो बताओ। हाँ सही है मंदार। हाँ शौनक याद रखना, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो माइनस इंफिनिटी लेफ्ट में आएगा और माइनस टू राइट में आएगा, ठीक है। सही है मेरा। हाँ सही है मनोलिया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू, एक तरफ जीरो है, एक तरफ एक्स का फंक्शन है, और एक्स का फंक्शन क्या है, एक्स प्लस टू है, तो ये जीरो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पे, तो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जो है यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, तो माइनस टू को इंक्लूड करना है क्या? No, sir. नहीं करना है। No. यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो नहीं करेंगे। अब इस माइनस टू की वजह से नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, तो उन पार्ट्स में हम f of x का साइन ढूंढेंगे। जब x माइनस टू से बड़ा है तो f of x का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। एंड जब x माइनस टू से छोटा है, मतलब इधर वाले रीजन में x माइनस टू से छोटा है ना, तो उसमें f of x का साइन आएगा निगेटिव। और हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए? ये लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव, ये वाला रीजन चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, इधर कहां से आ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से, कहां तक, माइनस टू तक, एंड माइनस टू को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, तो क्लियर है ये? यस सर। तो लिख लो बाकी के लोग जल्दी से। अब दो फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं, जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इधर रहेगा तो उसमें कितने दो क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो एफ ऑफ एक्स रहेगा हमेशा लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो उसको अगर ये दिया गया है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो हम पहले उसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाएंगे, एंड देन उसके बाद सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। देख लेते वो से भी एग्जांपल, ये वाला हो गया क्या, बताओ पहले। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट है। अब एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ तो क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये तो चलो अभी लिख दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में क्या हमें तो क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होता है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स वन एंड टू, तो उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे, ये बीच वाली चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे वो है
x इज इक्वल टू 1 एंड 2. f ऑफ x क्या है यहाँ पे, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2. और ये 1 एंड 2 पे 0 हो रहा था तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया. इनको इंक्लूड करना है क्या? Yes. करना है तो डायरेक्ट डॉट आ जाएगा. अब उसके बाद इन दो नंबर, दो क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है. एक तो 2 से बड़ा वाला रीजन, एक 1 टू 2 के बीच वाला पार्ट एंड एक 1 से छोटा वाला. अब हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का साइन ढूंढना है कौन से पार्ट में क्या आएगा. जब हमने एक्स को 2 से बड़ा लिया है, जब हमने एक्स को 2 से बड़ा लिया है तो एफ ऑफ एक्स का क्या साइन आता है बताओ? पॉजिटिव. सिंपली क्या कर लेना, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तू और उसको यहाँ पे पुट करके देख लो क्या साइन आ रहा है एफ ऑफ एक्स का. तो जैसे 2 से बड़ा हमने 3 ले लिया तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके इधर पॉजिटिव साइन रहेगा एफ ऑफ एक्स का 2 से बड़े वाले रीजन में. अब 1 टू 2 के बीच वाले रीजन में साइन क्या रहेगा तो वो हम देख लेते हैं. तो 1 टू 2 के बीच का कोई भी एक नंबर उठा लो जैसे 1.5, तो 1.5 पे ये पहला वाला तो पॉजिटिव आएगा लेकिन 1.5 माइनस 2 ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव. एंड 1 से छोटा वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1 से छोटे में कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लो तो वो 0 ले लिया मान लो, 0 माइनस 1 ये निगेटिव क्वांटिटी, 0 माइनस 2 ये भी निगेटिव, लेकिन निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसके इधर भी एफ ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा. अब हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए बताओ? निगेटिव. वो लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स निगेटिव वाला, मीन्स हमें एक तरीके से ये वाला रीजन चाहिए. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू क्लोज 2. क्लियर? यस सर. अभी देख लेना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अगर नहीं रहता तो हमें लाना होता वहां पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, पहले उसको फैक्टराइज करो, एफ ऑफ एक्स को लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लाओ एंड देन सॉल्व करो एंड बताओ इसका आंसर क्या आएगा. जल्दी करो. शौनक सही है. स्मेरा, दो रीजन आ रहे हैं क्या स्मेरा? एक मिनट वापस कर रही हूँ मैं. हाँ लीजा, क्रिटिकल पॉइंट्स तो सही है, अब इंटरवल बताओ ना कौन से आते हैं. हाँ सही है मंदार. नहीं मंदार वो गलत हो गया, फैक्टराइज अच्छे से करो उसको. सर इसमें दो आते हैं वो. हाँ दो आएंगे, दो इंटरवल्स आएंगे ना, एक तो माइनस वन से छोटा आएगा एंड एक टू से बड़ा है ना. तो सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पे एक तरफ जीरो है, ठीक है, तो उसकी बात खत्म हो गई. अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमें कैसा चाहिए, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में चाहिए, मतलब लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए, उसकी पावर चाहे कुछ भी रहे
अभी तो चलो पावर 1-1 है, पावर यहाँ पे कुछ भी रहती तब भी हम उसको डील कर सकते हैं, अभी तो उसका एग्जांपल नहीं ले रहे, आगे देखेंगे ठीक है। ऐसे ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब इसके फैक्टर्स ये x माइनस टू इंटू x माइनस x प्लस वन, ये फैक्टर्स है इसके। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो है x इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू, ठीक है क्रिटिकल पॉइंट्स है x इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू, ये आ गए क्योंकि यहाँ पे ये जो f ऑफ x है हमारा ये जीरो होता है, तो उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया ठीक है। अब दो तीन चीजें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला, उसको ध्यान से सुनना। अब हमें क्या ये बार बार वैल्यू पुट करके एफ ऑफ एक्स का साइन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो तीन चीजें हमें याद रहेगी तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को देखते हैं, ये लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले, उनको हमने प्लॉट कर लिया। अब ये बताओ दोनों फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट साइन वाइज कैसा है, पॉजिटिव है, दिख रहा है? हाँ सर। दोनों लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ठीक है। तो अगर ऐसा मिलता है हमें फॉर्म, मतलब एफ ऑफ एक्स लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है एंड सारे लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्योंकि उसी के बाद हम उन रूल्स को लगा सकते हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये एक तरीके से हो गया एफ ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें क्या क्या चीजें होना मस्ट है, एफ ऑफ एक्स लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट एंड जो भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये होना मस्ट है, क्लियर है? अब वो हमें दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। तो अब पहली बात तो ये बताओ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे ठीक है। अब उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो इसके इधर हमेशा प्लस साइन आएगा हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है तो ठीक। एक्स का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव रहेगा तो उसको कैसे डील करना है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि लीनियर फैक्टर्स एंड सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन दे सकते हैं हमेशा, तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब उसके बाद ये तो हो गई पहली कहानी, उसके बाद इसमें बताओ टू क्रिटिकल पॉइंट हमें यहां से मिलता है, यहां से मिलता है इस फैक्टर से। अब इस पूरे फैक्टर की पावर बताओ क्या है, वन है, टू यहां से मिलता है और इसकी पावर वन है, मतलब एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऐसा अगर होता है तो उसके अबाउट साइन चेंज हो जाता है, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट प्लस का माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहां पे हुआ देख सकते हो तुम, टू क्रिटिकल पॉइंट हमें यहां से मिला स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये ठीक है, इसके इधर प्लस आया, टू यहां से मिल रहा था उसकी पावर वन है मतलब एक ऑड इंटीजर है, तो उसके अबाउट साइन चेंज हो गया, तो पावर जब ऑड आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। अब उसके बाद माइनस वन के अबाउट साइन चेंज होगा क्या बताओ, माइनस वन यहां से मिलता है, पूरे फैक्टर की पावर वन है मतलब एक ऑड इंटीजर है, तो उसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या होगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये क्लियर है क्या, पहले बताओ तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी वजह से हम राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस दे सकते हैं हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के, एंड फिर हम आ जाते हैं फिर इसके ऊपर फैक्टर्स की पावर के ऊपर, अगर पावर ऑड है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्लियर है क्या? हाँ सर। तो ये रूल्स है, इसी से हम अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है, हमें अब बार बार वैल्यूज पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया रूल से, हमने इसके साइन ढूंढ लिए।
अब हमें f of x का कैसा साइन चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, तो दो रीजन में f of x पॉजिटिव आ रहा है, एक तो माइनस वन से छोटे में, टू से बड़े में। अब इसको लिखना है, एक इंटरवल तो क्या आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन ओपन ब्रैकेट, एंड दूसरा आ रहा है टू टू इंफिनिटी। तो आइदर हम यहां से x ले ले या यहां से ये ले ले, वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है। तो फाइनली इन दोनों का क्या लेना होगा हमें, आइदर और है तो यूनियन, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ये, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ रूल्स क्लियर है क्या? हाँ सर। एंड फिर उसके बाद अगर दो तीन रीजन हमें मिल रहे तो उसको यूनियन करके लिखना होता है, तो लिखो इसको। आपको पावर वाले एक बार फिर से समझा सकते हो क्या? उसमें बस सिंपली ये याद रखना है हमें, ठीक है, जैसे ये टू क्रिटिकल पॉइंट है, टू कौन से फैक्टर से मिलता है, इससे मिलता है, ठीक है। अब इस फैक्टर की पावर, पूरे फैक्टर की पावर यहां पे वन है, मतलब एक ऑड इंटीजर है, तो जब भी पावर ऑड रहेगी तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसके राइट में प्लस है, तो इसके अबाउट अगर हम लेफ्ट में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और वो आएगा माइनस। फिर उसके बाद माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलता है इससे, एक्स प्लस वन से। अब एक्स प्लस वन की पावर भी कैसी है, ऑड है, ऑड है ना, वन है मतलब ऑड है, तो उसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके इधर माइनस है, तो जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? मतलब इससे क्या हो रहा है, हमें वो बार बार, जैसे इसमें हमने क्या किया था, पुट कर करके देख रहे थे कि एफ ऑफ एक्स का साइन कैसा आ रहा है। चलो दो फैक्टर है तो बहुत इजीली वो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी चार पांच फैक्टर का प्रोडक्ट आ जाता है, फिर पावर बहुत बड़ी बड़ी भी रह सकती है। यहाँ पे तो पावर वन वन का देख रहे, पावर 2009 2007 ऐसी रह सकती है। तो फिर पुट करो, फिर कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव हर बार वो करके देखो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा नहीं से जाते। तो उसके लिए रूल्स है हमारे पास, उससे हम इसको अप्रोच करेंगे अब हमेशा, ठीक है। कितने भी फैक्टर्स प्रोडक्ट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सभी लोगों से सॉल्व होना चाहिए। ये है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये सभी लोगों को फैक्टराइज करना आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है ना? हाँ सर। ठीक है, तो जल्दी से पहले उसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाओ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो देखो, एंड देन रूल्स लगा के आंसर बताओ जल्दी से।
नहीं जयवर्धन गलत है, सिद्धि यहाँ पे हमें निगेटिव साइन चाहिए, ध्यान रखना, ओम सही है, फिर उसके बाद शौनक, शौनक सही है, मंदार सही है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंगली देखो। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करो और बताओ। है हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखने के लिए बोला है ना सिद्धि, पहले माइनस इनफिनिटी टू वन, यूनियन टू टू थ्री, सही है, स्मेरा का सही आया, ठीक है। ठीक है जयवर्धन, अब सही है। तो यहाँ पे देख लो, पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स क्या आते हैं बताओ, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, सही है, x माइनस वन, ये करके देख लेना, ये पढ़ाया हुआ है, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, तो ये आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या बताओ, ये f ऑफ x, हाँ सर, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है बताओ, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको इंक्लूड करना या नहीं करना है, करना है, करना है, यहाँ पे इक्वलिटी लग रही है मतलब करना है। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लीनियर फैक्टर्स में, तो इसके इधर प्लस एंड थ्री यहाँ से आता है, इस फैक्टर से आता है ना, एक्स माइनस थ्री से, इसकी पावर ऑड है, तो इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस, फिर 2 आता है यहां से x माइनस टू से, तो x माइनस टू की पावर यहाँ पे 1 है, पावर ऑड है, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद 1 आता है यहां से, तो x माइनस वन, इसकी पावर भी कैसी है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से साइन चेंज हो गया। अब उसके बाद हमें f ऑफ x निगेटिव चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, तो वो कौन से रीजन में आता है, इसमें एंड इसमें आता है, तो लिखने का तरीका देख लो, x belongs to minus infinity to close 1 union close 2 to close 3, clear? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, तो तुम बताओ कितने पॉजिटिव इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं ना क्लियरली, कौन से है वो, 1 के ऊपर क्लोज है, इसका मतलब 1 वहां पे है इंक्लूडेड, फिर उसके बाद 2 एंड 3, ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? 2, 2, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स? 1, 1, 1, कौन सा, 0 है कि नहीं, ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद अब ये तो सारी हम पावर 1 वाले, तो पावर लीनियर फैक्टर्स की बहुत बड़ी भी हो सकती है, उससे डरने की जरूरत नहीं, बस हमें क्या देखना है, इवन ऑड पावर, अभी तो इवन वाला एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, जैसे ऑड अगर रहती तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इवन में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, बस ये सिंपल सी चीज आएगी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये है, यहाँ पे x माइनस वन की पावर 25, फिर x प्लस टू की, x प्लस वन की पावर 3 एंड x माइनस टू की पावर 5,
रहने दो, कुछ कितनी भी बड़ी पावर, या तो 2005 या 205 चलो, इज ग्रेटर देन जीरो, देन फाइंड एक्स। ये अंदर वाली चीज देखो अभी तुम लोग, क्या ये लीनियर है? पावर रहने दो कितनी भी बड़ी, अंदर वाली चीज लीनियर है क्या? हाँ सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव? यस सर। चलो सॉल्व करो अब तुम लोग। हाँ सही है शौना, सही है ओम, सही है सिद्धि। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ तुम लोग, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आएगा? -1, 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 -
नो सर नहीं करना है। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो इसके इधर प्लस। अब इनकी जब हमने पावर्स देखी तो सबकी पावर ऑड है, तो इसका मतलब सबके अबाउट साइन चेंज होने वाला है। तो प्लस माइनस इस तरीके से साइन चेंज होगा। अब उसके बाद हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए, प्लस मतलब वो इस रीजन में आ रहा है एंड इस वाले में आ रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन माइनस वन टू ओपन वन यूनियन ओपन टू टू इंफिनिटी। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो ये सारी चीजें हम न्यूमरेटर में देख रहे हैं, पावर ऑड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ रहा है हमेशा, जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में चीजें रहेंगे तो क्या करेंगे, पावर इवन रहेंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ जीरो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर जो आप नंबर लाइन में जो साइंस है वो मुझे समझ में नहीं आई, मतलब आप साइंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक बार फिर से सुन लो, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीनियर फैक्टर्स में सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस साइन आएगा। ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद 2 आता है यहां से x माइनस 2 से, तो इसकी पावर क्या है, x माइनस 2 की पावर 205, जो कि एक ऑड इंटीजर है, तो जब भी पावर ऑड इंटीजर रहेगी तो साइन चेंज हो जाएगा उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, तो इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का क्या होगा, माइनस। अब उसके बाद आता है 1 यहां से, इसकी पावर उस पूरे फैक्टर की पावर है 25, इट्स ऑड इंटीजर, तो अगेन यहाँ पे इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस इसके अबाउट, माइनस 1 आता है यहां से, इस पूरे की पावर है 3, मतलब एक ऑड इंटीजर, तो इसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का माइनस। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है फिर, तो और किसी को कोई डाउट? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, सिंगेज की कैलकुलस की बुक लेने की सोच रहा हूँ,
सिंगेज की कैलकुलस, अब वो तो कैलकुलस तो तुम्हें अभी फिजिक्स में बेसिक पढ़ाया गया है, ठीक है, मतलब वो डिफरेंशिएशन पढ़ लिया मैथ्स का भी। अच्छा फिर ले सकते हो, ठीक है, लेने के लिए तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही नहीं है, कैलकुलस में और भी बहुत सारी चीजें आएगी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत है, लेने के लिए तो ले सकते हो, बाद में काम में आ जाएगा। जेडब्ल्यू के लिए काम में आएगी? हाँ जेडब्ल्यू के लिए काम में आएगी क्या? हाँ आएगी ना बाद में, तुम लोगों को तो टाइम मिलेगा, इनफ टाइम मिलेगा बाकी बुक्स लगाने के लिए मॉड्यूल के अलावा भी, तो ले सकते हो, फायदा ही होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है।